हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपुरोहित है और आज अपन पढ़ने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल का थर्ड टेक्निक है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसके वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। तो भाई आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्या, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सीक्वेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको तीन स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट नोड, सेकेंड राइट नोड, तीसरा पैरेंट नोड। अब इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप इसका सीक्वेंस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आप फाइंड कर सकते हो किसी भी बाइनरी ट्री का। तो भाई आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। आपके सामने एक बाइनरी ट्री है, अगर आप देखोगे एफ के सारे नोड्स के आगे मैंने लेफ्ट राइट और विजिट का मैंने तीन एक्शन लिखे हुए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लेफ्ट राइट पैरेंट, लेफ्ट राइट विजिट, जहां पैरेंट लिखा हुआ है मैंने उसको क्या चेंज कर दिया, विजिट। विजिट मैंने क्यों लिखा है, जब भी विजिट एक्शन को मैं फॉलो करूंगा तो मैं उस नोड को एज अ आउटपुट लिखूंगा। अब ये कैसे वर्क करता है मैं वो आपको समझाता हूं, ठीक है। नाउ सबसे पहले एफ नोड है, अब इस एफ नोड के तीन एक्शन है, कौन से, लेफ्ट राइट और विजिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट एक्शन को फॉलो करेंगे। तो लेफ्ट मतलब क्या, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे हम, दैट इज बी। अब बी का अगर देखोगे तीन एक्शन है अगेन, तो वापस से पहला एक्शन दैट इज लेफ्ट, तो बी का लेफ्ट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। तो ए आ गया, अब ए के तीन एक्शन है, अगेन लेफ्ट है, अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल है, कैंसिल हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड अवेलेबल है, नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब थर्ड क्या एक्शन है मेरा, विजिट। जैसे ही मैं विजिट को कैंसिल करूंगा, इस ए नोड को मैं एज अ आउटपुट यानी एज अ सीक्वेंस में इसको लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया तीन कैंसिल, अब ए का वापस आ जाओ किस पे, इसके बैक टू मेन नोड पे। अब इसका बी का सेकंड एक्शन क्या है, राइट, तो इसका राइट चाइल्ड देखो अवेलेबल है या नहीं है, यस अवेलेबल है, दैट इज डी, तो राइट कैंसिल, आ जाओ डी के ऊपर। अब इस डी के अगेन तीन एक्शन है, पहला क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है, यस ये हो गया कैंसिल। अब आ जाओ सी के ऊपर, अब इस सी के देखो न लेफ्ट है न राइट है, ये खाली सिंगल एक नोड है, तो लेफ्ट भी कैंसिल हो गया, राइट भी कैंसिल हो गया। थर्ड क्या बचा एक्शन, विजिट। जैसे ही विजिट कैंसिल होगा, इस ये सी नोड हमारा आ जाएगा एज अ आउटपुट में, आगे बात समझ में। अब वापस आ जाओ किस पे, इसके बैक टू मेन नोड पे, दैट इज रूट नोड यानी कि डी नोड। अब डी के फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, राइट पे आ जाओ, राइट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो ये राइट कैंसिल होगा मेरा। अब बचा क्या ई, अब ई का देखो लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है, तो लेफ्ट भी कैंसिल राइट भी कैंसिल। बचा क्या थर्ड एक्शन, विजिट। विजिट कैंसिल करते ही ई को लिखूंगा मैं एज अ आउटपुट, आगे समझ में। अब वापस आ जाओ इसके बैक टू नोड पे, मेन नोड पे, दैट इज डी। अब डी का भी देखो थर्ड एक्शन बचा हुआ, कौन सा, विजिट। विजिट कैंसिल हो गया, डी आ जाएगा मेरा एज अ आउटपुट, आगे बात समझ में। इसके अब मेन नोड पे आ जाओ, दैट इज बी। अब बी का भी थर्ड एक्शन बचा हुआ, विजिट कैंसिल, बी आ गया मेरा एज अ आउटपुट। और आप देखोगे तो एफ का जो लेफ्ट एक्शन है, इसमें देखो सारे के सारे मेरे एक्शन कंप्लीट हो गए। जैसे सारे एक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, एफ के आ जाओ सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड एक्शन पे, दैट इज राइट वाला, तो राइट चाइल्ड अवेलेबल है क्या, यस अवेलेबल है, दैट इज जी, तो ये हो गया मेरा राइट कैंसिल, जी आ गया। अब जी का तीन एक्शन है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट अवेलेबल है, नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब राइट अवेलेबल है, यस, आ जाओ आई के ऊपर और इसको कैंसिल कर दो, ये आई आ गया। अब इसके तीन एक्शन अगेन, तो पहला लेफ्ट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, ये हो गया कैंसिल मेरा। अब आ गए आप किस पे, एच पे आ गए। अब एच का देखो ना लेफ्ट है ना राइट है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आगे समझ में। बचा क्या, विजिट। विजिट को फॉलो करो, तो ये आ गया मेरा बी के बाद में एच, आगे समझ में। अब एच के बाद ये तीनों कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ इसके बैक टू मेन नोड पे, दैट इज राइट। राइट अवेलेबल है, नहीं, तो ये हो गया राइट कैंसिल। थर्ड एक्शन क्या बचा है, विजिट। विजिट करो, जैसे कैंसिल किया आई आ गया मेरा एज अ आउटपुट, आगे समझ में। अब आई का मेन नोड क्या है, जी। जी का विजिट बचा हुआ है, विजिट कैंसिल, जी आ गया मेरा एज अ आउटपुट। अब जी का मेन नोड क्या बचा हुआ है, एफ। एफ का थर्ड एक्शन क्या बचा हुआ है, विजिट, कैंसिल हो गया, एफ आ गया मेरा एज अ आउटपुट। तो मेरी सीक्वेंस आ गई ए सी ई डी बी एच आई जी एफ। ये है मेरा इस बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, कि इस बाइनरी ट्री को हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में किस तरीके से इसका सीक्वेंस निकालेंगे, आगे समझ में। तो अगर आप किसी भी नोड के बाइनरी ट्री के आगे अगर लेफ्ट राइट विजिट अगर आप लिखते हो, जो आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, तो आपका उसका ऑर्डर आप आसानी से निकाल सकते हो, चाहे वो पोस्ट ऑर्डर हो या इन ऑर्डर हो या प्री ऑर्डर हो। आपको सिर्फ इस स्टेप्स को लिखना है और जहां पैरेंट लिखा है वहां पे विजिट नोड लिखना है, आगे समझ में। तो ये था अपना पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और
बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस है जो आने वाले हैं, तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसके मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।